बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्रेश। इस कहानी की शुरुआत में नुआ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो ऑनलाइन आज तक कई लड़कों को डेट कर चुकी है, लेकिन आज तक उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। एक दिन जब वो सुपरमार्केट में होती है तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम स्टीव होता है। स्टीव का नेचर बहुत ही ह्यूमरस होता है जो नुआ को बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और जल्दी ये दोनों डेट पर मिलते हैं, जहाँ पर स्टीव बताता है कि वो एक डॉक्टर है। नुआ बताती है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है और वो अपनी मॉम के साथ अब नहीं रहती। इसी तरह से दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। नुआ को स्टीव बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, इसीलिए डेट खत्म होने के बाद ये दोनों के दोनों नुआ के घर चले जाते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जब सुबह नुआ उठती है तो वो स्टीव की फोटो खींचती है, जिसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और अपनी दोस्त मौली को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि मैंने स्टीव नाम के लड़के को डेट किया जो मुझे बहुत पसंद है। वो किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर नहीं है, वो थोड़ा सा पर्सनल और सीक्रेट टाइप है। ये बात मौली को बहुत अजीब लगती है और वो नुआ को कहती है कि तुम्हें इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन नुआ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उसने सोते हुए स्टीव की जो फोटो खींची होती है वो मौली को भेज देती है। इसके बाद वो एक बार फिर से स्टीव के पास जाती है, दोनों के दोनों साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ ही यहाँ पर डांस भी करते हैं। नुआ को ऐसा लगता है जैसे उसे सब कुछ मिल गया, साथ ही स्टीव भी नुआ के साथ बहुत खुश होता है। वो नुआ से कहता है क्यों ना हम एक सीक्रेट जगह पर चलें, जो कि एक सीक्रेट ट्रिप होगी और इस जगह का नाम है कॉटेज ग्रेव। नुआ अपनी दोस्त मौली को बता देती है कि वो स्टीव के साथ कॉटेज ग्रेव जा रही है और जल्दी दोनों के दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ही रिमोट एरिया होता है जहाँ पर एक कॉटेज है। इस कॉटेज के अंदर ये दोनों के दोनों जाते हैं। नुआ यहाँ पर स्टीव के साथ बहुत खुश होती है। ये दोनों के दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं और ड्रिंक पीने के कुछ ही देर बाद नुआ बेहोश हो जाती है, लेकिन स्टीव जो सामने काउच के ऊपर बैठा होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे साफ साफ समझ में आ जाता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं है। नुआ को जब होश आता है तो वो बेड के साथ बंधी होती है, उसके सामने स्टीव होता है। पहले तो उसे मजाक लगता है पर जल्दी वो समझ जाती है कि स्टीव मजाक नहीं कर रहा। स्टीव उसे बताता है कि धीरे धीरे वो उसके शरीर को काट कर बेच देगा और जब तक वो ऐसा नहीं करता उससे जिंदा रहना होगा। स्टीव यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नुआ चिल्लाना शुरू कर देती है और उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है, बल्कि उसी की तरह दो लड़कियाँ और हैं जिन्हें स्टीव उसी तरह से यहाँ पर फंसा कर लाया है जिस तरह से नुआ को लेकर आया था। वो दोनों भी अपनी कहानियाँ उसे बताती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि अब उसके बचने के कोई भी चांस नहीं है। दरअसल स्टीव इसी तरह की लड़कियों को यहाँ पर लाता है जो अपने परिवार से अलग रहती है, ताकि उन्हें ढूंढने के लिए कोई भी ना आ सके। वहीं नुआ की दोस्त मौली बार बार उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसका फोन स्टीव के पास होता है। स्टीव उसे रैंडम किसी भी जगह की फोटोज भेज देता है ताकि उसे यकीन दिला सके कि वो दोनों के दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ पर मौली को शक हो जाता है क्योंकि जिस तरह से स्टीव उसे रिप्लाई कर रहा होता है, नुआ कभी भी उसे उस तरह से रिप्लाई नहीं करती। और इसके बाद स्टीव ने जो मौली को फोटोज भेजी होती है वो उन्हें इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चल जाता है कि सारी की सारी फोटोज गूगल से डाउनलोड की गई है, जिन्हें देखकर मौली समझ जाती है कि नुआ की जान खतरे में है। वहीं स्टीव को दिखाया जाता है जो इन तीन लड़कियों में से एक लड़की के पार्ट को काट कर बॉक्स में रैप करके एक जगह डिलीवर करता है और जो आदमी उसे रिसीव करता है उसकी वॉच में एक डेविल का साइन भी होता है। सबसे पहले वो बॉक्स से कपड़ा निकालता है जो उसी लड़की का होता है जिसका मांस यानी कि जिसका पार्ट इस बॉक्स के अंदर है, वो उसे स्मेल करता है। दरअसल स्टीव का ये बिजनेस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मांस को खरीदते हैं ताकि वो इस तरह के मांस को खा सके। वहीं हमें नुआ को दिखाया जाता है जो स्टीव से कहती है कि उसे शाल लेना है। स्टीव उसे उस जगह से निकाल कर कमरे में बाहर ले जाता है। नुआ वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन स्टीव उसे पकड़ लेता है। दरअसल इस जगह से भागना इतना आसान नहीं है और अब स्टीव को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए नुआ को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो नुआ की सर्जरी करता है और उसके हिप के एक हिस्से को काट कर निकाल देता है। ये नुआ की सजा होती है। नुआ को बहुत तकलीफ हो रही होती है। इसके बाद स्टीव नुआ को उसके कमरे में ले जाता है जहाँ पर पहले से एक मैगजीन होती है और उस मैगजीन में किसी लड़की ने लिखा होता है कि अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो इसका मतलब ये है कि स्टीव तुम्हें भी यहाँ पर पकड़ कर ले आया है।
अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम इस बात का फायदा उठाकर इस जगह से भाग सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हमें नोवा की फ्रेंड मॉली को दिखाया जाता है जो उसे ढूंढते ढूंढते उस बार में जाती है जहाँ पर नोवा को सबसे पहले स्टीव मिला था। उसके पास स्टीव की फोटो होती है जिसे बार टेंडर पहचान लेता है जो पहले से मॉली का दोस्त होता है, और वो उसे स्टीव का एड्रेस बता देता है क्योंकि उसने अपने कार्ड से यहाँ पर पेमेंट की होती है। और अब मॉली उसके घर के बाहर पहुँच जाती है। उसके घर के अंदर जाने से पहले वो बार टेंडर को कहती है कि अगर मैं वापस ना हो तो तुम मुझे इस पते पर ढूंढने आ जाना। इसके बाद वो स्टीव के घर जाती है जहाँ पर उसकी पत्नी आती है। मॉली उससे पूछती है कि तुम्हारे पति कहाँ पर है, वो मेरी दोस्त को अपने साथ ले गए थे और अब तक मेरी दोस्त वापस नहीं आई। उसकी पत्नी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे पति कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद ये दोनों के दोनों घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर स्टीव भी आ जाता है। और मॉली स्टीव से पूछती है कि मेरी दोस्त कहाँ पर है, वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारी दोस्त को जानता ही नहीं। पर मॉली को पता है कि स्टीव झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो अपनी दोस्त नोवा के नंबर पर कॉल करती है। और इस वक्त नोवा का फोन स्टीव के पास होता है जो रिंग होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, उसका झूठ पूरी तरह से सामने आ चुका है। पर इससे पहले कि मॉली कुछ करती, स्टीव की पत्नी पीछे से मॉली के सिर के ऊपर हमला करती है जिससे बेहोश हो जाती है, यानी कि स्टीव की पत्नी भी उसके साथ मिली हुई है। और अब स्टीव मॉली को भी पकड़ कर नीचे बेसमेंट में ले जाता है जहां पर उसने सबको कैद किया हुआ है। वो मॉली को भी कैद कर लेता है। इसके बाद वो नोवा के पास जाता है। नोवा उससे इस तरह से बात करती है जैसे उसे भी इंसानी मांस में इंटरेस्ट है। नोवा पूछती है कि इसका स्वाद कैसा होता है। स्टीव बताता है कि इससे बेहतर स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज में नहीं देखा। उसे समझ में आ जाता है कि नोवा को भी इसमें अब इंटरेस्ट आने लगा है। इस बात से स्टीव को खुशी होती है। वही स्टीव के घर के बाहर हमें एक शैतान का चिन्ह दिखाया जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि स्टीव और बाकी के वो सभी लोग जो इंसानी मांस को खाते हैं वो किसी शैतान के पुजारी हैं। रात को हमें डिनर टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ पर स्टीव नोवा को अपने साथ बिठाता है और उसे भी इंसानी मांस खाने को कहता है। हालांकि नोवा ऐसा नहीं करना चाहती, पर वो स्टीव के विश्वास को जीतना चाहती है ताकि यहाँ से निकल सके, इसीलिए वो मांस खा लेती है। ये देखकर स्टीव को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि उसकी टीम में अब एक और मेंबर शामिल हो चुका है। स्टीव नोवा को बताता है कि वो 17 साल की उम्र से ऐसा कर रहा है। शुरू में उसने बात किसी को नहीं बताई, पर धीरे धीरे उसने ऐसे लोगों को ढूंढ लिया जिन्हें इंसानी मांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और ये लोग बहुत अमीर बहुत ही समृद्ध हैं, इसीलिए मैं इन सब के लिए काम करता हूँ जिसके बदले मुझे बहुत पैसे मिलते हैं। इसके बाद नोवा अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर वो कमोड में वॉमिट करना शुरू कर देती है क्योंकि वो कभी भी ऐसा खाना नहीं खाना चाहती थी। स्टीव को दिखाया जाता है जो मॉली को बेहोश करके उसके शरीर के भी मांस के टुकड़े को निकाल लेता है ताकि वो अपने साथियों को उसे भेज सके। वहीं अगली शाम एक बार फिर से स्टीव नोवा के पास जाता है, उसे एक ड्रेस देता है और कहता है कि तुम इस ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाओ, हम साथ डिनर करेंगे। और एक बार फिर से साथ में डिनर करते हैं जिसे ना चाहकर भी नोवा खा लेती है। इसके बाद स्टीव उसे दीवार के पीछे छोटे छोटे केबिन्स दिखाता है जिसमें लड़कियों के बहुत सारे अलग अलग सामान को रखा होता है। स्टीव बताता है जिस भी लड़की के मांस को मैं अपने क्लाइंट्स के पास भेजता हूँ साथ ही मैं उन लड़कियों के सामान को भी भेजता हूँ ताकि मेरे क्लाइंट्स उनको फील कर सकें। नोवा कहती है कि यहाँ पर मेरा सामान नहीं है। स्टीव बताता है कि अभी मेरा तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं है, पर तभी वो देखती है कि उसकी दोस्त मॉली का मोबाइल फोन वहाँ पर है जिससे वो समझ जाती है कि मॉली को भी स्टीव ने पकड़ लिया। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर स्टीव शुरू से ही नोवा को पसंद करता है, इसीलिए अब उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। और जब नोवा को मौका मिलता है तो वो स्टीव की जांघ पर काट लेती है, वो उसके मांस के टुकड़े को निकाल लेती है जिससे स्टीव दर्द से कर्रा उठता है। इसके बाद वो उसके ऊपर हमला करके वहां से चाबियां लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसकी दोस्त मॉली और एक और लड़की होती है। वो अपनी दोस्त मॉली को और उस लड़की को छुड़ाकर वहां से बाहर लाती है। नोवा और मॉली के साथ जो लड़की होती है उसका एक पैर नहीं होता, इसीलिए किचन में जो खाना ऊपर नीचे भेजने की लिफ्ट होती है उससे उस लड़की को वो ऊपर भेज रहे होते ताकि खुद वो स्टेयर से ऊपर चले जाएं। लेकिन तभी वहां पर स्टीव आ जाता है, वो उस लड़की को पकड़ लेता है। पर नोवा और मॉली स्टीव के ऊपर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं। पर स्टीव एक बार फिर से नोवा के ऊपर हमला करता है। अब वो लड़की जिसका पैर नहीं होता वो स्टीव को जख्मी कर देती है जिससे नोवा छूट जाती है। और अब ये तीनों के तीनों मिलकर स्टीव के ऊपर हमला कर देते हैं, उसे दांतों से काटना शुरू कर देते हैं जिस तरह से वो दूसरों को खाता है। उसे भी अब इस बात का एहसास होता है कि ऐसा करने में कितना दर्द होता है।
वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर बार टेंडर भी आ चुका होता है, क्योंकि उसे मौली ने कहा था कि अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम इस एड्रेस पर मुझे ढूंढने के लिए आ जाना। वहीं नोवा, मौली और उनके साथ जो लड़की होती है, तीनों की तीनों घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन स्टीव भी इनका पीछा करते हुए आ जाता है। उसके पास गन होती है। स्टीव से बचने के लिए तीनों के तीनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, पर स्टीव किसी भी तरह से नोवा को ढूंढ कर मारना चाहता है, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। और जब वो नोवा को ढूंढ रहा होता है तभी मौली पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद एक बार फिर से स्टीव के ऊपर हमला करते हैं और नोवा उसकी गन छीन लेती है और उसे उसी की गन से मार देती है। यानी कि ये तीनों के तीनों सुरक्षित है, क्योंकि अब स्टीव की मौत हो चुकी है। नोवा को अपना मोबाइल हासिल करना होता है, इसीलिए घर के अंदर जाती है। वहीं घर के बाहर हमें स्टीव की वाइफ को दिखाया जाता है, जो स्टीव की बॉडी को देख लेती है और वो अपने वर्कर से कहती है कि इसे फ्रिज में रख दो, क्योंकि जो काम स्टीव करता है वो काम ये भी करती है। इसके बाद वो नोवा के पास जाती है और कहती है कि मुझे भी स्टीव ने बंदी बना रखा था, मैं भी उसकी विक्टिम हूँ। दरअसल ये नोवा को मारना चाहती है, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला कर देती है। पर तभी पीछे से मौली आ जाती है और वो स्टीव की पत्नी को मार देती है, जिसका मतलब ये है कि अब ये पूरी तरह से सुरक्षित और आजाद हो चुकी हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।